तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपना पीसी को आप अपने फ़ोन से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन से कहीं भी किसी भी जगह से अपने पीसी को कंट्रोल कर पाएंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं ब्रेव ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। आप अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर इसको करना, या फिर ब्रेव ब्राउज़र के अंदर भी कर सकते हो, क्योंकि ब्रेव ब्राउज़र के अंदर जो भी एक्सटेंशन वगैरह है क्रोम की, वो सपोर्टेड होती है। तो अभी मैं इसको ओपन कर लिया है। अब इसको मैं एक बार आपको दिखा बता देता हूँ कि आप लोगों को कौन सा क्या एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करना है। इसके लिए आप लोगों को दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो क्रोम का एक्सटेंशन और दूसरा हमें एंड्रॉयड ऐप, एक एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन, जिससे आपका जो पीसी है वो कंट्रोल होगा। आपकी जो पीसी की पूरी स्क्रीन है वो आपके मोबाइल के अंदर रेंडर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम वेब स्टोर करके सर्च कर लेते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करके फिर हम इसके अंदर एक एक्सटेंशन को सर्च करेंगे। उस एक्सटेंशन का नेम है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। बस इतना लिख के देखो, ये थर्ड सेकंड नंबर पे आपको सर्चिंग में मिल जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। उसके बाद इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने फर्स्ट नंबर पे जो ये एक्सटेंशन आ रहा है, इसको आप लोगों को ऐड टू ब्रेव, या फिर आपका अगर आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर कर रहे होंगे तो ऐड टू क्रोम कर लेना है। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ, ये मैंने इस एक्सटेंशन को इसको ऐड कर लिया है। उसके बाद ये थोड़ा डाउनलोड होगा, उसके बाद इसके अंदर इंस्टॉल होके ये लग जाएगा। तो ये यहाँ पे लग चुका है, हम इसको पिन कर लेते हैं। पिन करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अभी इसके अंदर मैंने पहले से किया हुआ है, मैं आप लोगों को जो नया प्रोसेस होगा वो कैसे होगा वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने अपनी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन करोगे तब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सेटअप रिमोट एक्सेस करके। तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे टर्न ऑन इसको कर लेना है। टर्न ऑन करोगे तब आपके सामने एक ऐसा आएगा कि अपना जो पीसी का कंप्यूटर का जो नेम है वो आप यहाँ पे डालिए। तो आप लोग जो भी आपका नेम एक्स वाई जेड आप डाल सकते हो, जिससे आप लोगों को रिमेंबर कर सकोगे आपकी जो भी पीसी है वो शो हो जाए। आप इसको मतलब आपके पास अगर 3, 4, 10 पीसी है, 10 की 10 पीसी आपकी एक ईमेल आईडी पे आपके फ़ोन के अंदर शो हो जाएंगे, अगर वो 10 की 10 एक्टिव है, मतलब 10 की 10 चालू है। तो अभी मेरे पास तो एक ही है, इसलिए मैं आप लोगों को एक पी करके दिखा देता हूँ। अब इसके बाद इसमें चूज़ ए पिन करके आएगा। आप लोगों को कम से कम 6 वर्ड का इसके अंदर पिन क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा कोई भी आप पिन क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि मैंने कर लिया है। उसके बाद सिंपल सा स्टार्ट के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा जो कि आप लोगों को देनी होगी। अगर आप लोग ये नो करोगे तो आपका जो ये वर्क नहीं करने वाला, इसलिए इसको यस करना पड़ेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये परमिशन किस चीज़ की है। ये परमिशन इसी चीज़ की है कि आपके जो पूरा कंप्यूटर है उसको एक्सेस करेगी एप्लीकेशन, जो इनकी एप्लीकेशन है वो। तो हम इसको यस कर लेते हैं। अब देखो ये ऑनलाइन आ गया है। अब इसको आप लोगों को इसकी जो एप्लीकेशन है उसको अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल करना होगा, जिससे आप लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है। प्ले स्टोर पर चले जाने के बाद अब आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे सर्च करना है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। जब आप इसको सर्च कर लोगे तो आपके सामने फर्स्ट नंबर पे ही इनका जो ऐप है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपल से इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं, तब तक इंस्टॉल होता है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को ऐसे टैक्स से रिलेटेड वीडियोस रोजाना मिलती रहेंगी। जैसे कि हमारा जो ये एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको सिंपल सा ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा आ रहा है, रनिंग इन क्रोम गोट इट। उसके बाद अभी ये देखो हमारा सचिन पीसी ये दूसरा वाला दिखा रहा है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो एक्स वाई जेड है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो एक्स वाई जेड करने के लिए मैं ये मैंने कर लिया है। अभी देखना हमारे सामने एक्स वाई जेड ऑनलाइन आ रहा है। अब सिंपल से आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करोगे जो भी आपका पीसी का नेम शो करेगा, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है जो भी मेल आईडी से आपने पीसी के अंदर करोगे उसी मेल आईडी से आप लोगों को अपने स्मार्टफोन के अंदर इसको लॉगिन करना है। अब जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी ये मुझसे पिन मांग रहा है। वो पिन इसलिए क्रिएट किया गया था क्योंकि आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो कोई और एक्सेस ना कर पाए। तो उस पिन को आप लोगों को इसमें फिल कर लेना है। पिन को फिल करने के बाद ये सिंपल सा कनेक्टिंग शो करेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब देखो आपका जो पीसी है वो मैं आपको दिखा दूंगा, पीसी भी और फ़ोन भी, दोनों की जो विंडो है आप लोगों को सामने दिख रही होगी। पीसी के अंदर ये कैसे दिख रहा है और फ़ोन के अंदर ये कैसे दिख रहा है, और जो भी मैं अभी वर्क कर रहा हूँ वो देखो सारा सब कुछ इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। और ये मैं अपने मतलब कि टच से कर रहा हूँ, और इसको हम
बड़ी स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो बड़ी स्क्रीन करने के लिए आप लोगों को सिंपल सा अपने फ़ोन को रोटेट करना है, और रोटेट करने के बाद आपको जो कंप्यूटर है, सॉरी जो भी पूरा कंप्यूटर है वो आपके फ़ोन के अंदर शो होने चाहिए। देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा फ़ोन ही है, कभी आप लोग सोचो मतलब, इसलिए ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ऊपर से स्क्रॉल करके कि ये मैं फ़ोन के अंदर ही कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने दिखा दिया है, और यहाँ पे आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं इस पर डबल टैप करूँगा तो देखो ये पूरा लाइन कॉपी हो गई। और उसके बाद एक बार हम इसको आप लोग ऐसे जूम और जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को सिंपल सा कहीं पे भी क्लिक करना हो। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और न्यू टैब ओपन करता हूँ, तो न्यू टैब भी ओपन हो जाएगी, और उसके बाद मैं इसको जूम इन करता हूँ। तो देखो आप लोग ऐसे पूरा जो पीसी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना। हम मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो के, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं।